मेरे पास तुम हो। हेलो कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ क्या ऑर्डर करें, क्या दिले? अच्छा हाँ, तो कुछ ऑर्डर कर लेते। ये स्पाइसी गार्लिक फिश अच्छी होती है। मैं आती हूँ, एक्सक्यूज मी। हाय हाय, बैठ जाओ। हाँ शो। आप यहाँ? आप भी तो यहाँ हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ मैं तो खाना खाने आया था। खाना तो आप ढाबे पे खाते थे, ये तो बड़ी चेंज है भाई। डेट पर है क्या? सॉरी अब्बा की वजह से मैं आपसे थोड़ा पर्सनल हो जाती हूँ, माइंड तो नहीं किया आपने? नहीं, डेट पर नहीं हूँ, ऐसे ही दिल चाह के किसी अच्छी जगह बैठकर खाना खाते हैं। तो आप बताइए, सब ठीक है? रूमी इज फाइन? एब्सोल्युटली फाइन। मुझसे कह रहा था कि पापा से कहो शादी कर ले। खाने में क्या लेंगे आप? वैसे मैंने खाना मंगवा लिया। नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आपको देखा तो लगा शायद आज आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे ऐसा लगा मुझे। शादी की बात सुनते नहीं आप। पता है रूमी ने तो आपके लिए लड़की भी देख रखी है, कहते बड़ी क्यूट लगती है, आपके साथ बड़ी फिट लगती है। इस तरह आप कब से मुस्कुराते हैं? पता है इस मुस्कुराहट का मतलब क्या होता है? कि सामने वाला जो बोल रहा है बकवास कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कर लीजिए ना शादी। शादी नहीं करूंगा। देखा, वो भी तो ये कहता है कि पापा शादी नहीं करेंगे। चले एक दफा देख ही ले उसको, क्या पता दिल आ जाए आपका। अभी आप नहीं जाइएगा प्लीज। नहीं, वो मैं अपनी दोस्तों के साथ। बस थोड़ी देर प्लीज। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। ओके ओके रिलैक्स, मैं यही हूँ। दोनों की लव मैरिज हुई थी। फेमस किस्म की लव मैरिज। देखो जरा, लव हो या मैरिज, दोनों की चटनी हो गई। ये लव और मैरिज क्या होते हैं? मतलब लव हो या मैरिज, किसी से भी कर लो। हार्ट बीट ठीक हो गई, हम ओके ना हो, एंड थैंक यू वेरी मच। और जाओ प्लीज, प्लीज गो एंड हैव फन विद योर फ्रेंड्स। श्योर जी, एब्सोल्युटली।
बाय। तुम उसके बारे में सोच रही हो ना? हाँ, वो उठकर चला क्यों गया? खाना भी नहीं खाया उसने। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, पसीने आ रहे थे उससे। अरे तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना? उसे बस उठ के चले जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि महवेश उसकी आंखों के सामने आके बैठ गई थी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। महवेश, अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? I wanted to see her. तुमसे तो बहुत दोस्ती हो गई है उसकी। ये भी बता दिया कि उसकी हार्ट बीट तेज है, उसको पसीने आ रहे। वो जब डर जाता है ना, उसे पता नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या? प्यार। गाली देता है वो प्यार। और तुम? तुमने तो कभी गाली नहीं दी। आज जो मैंने देखा है ना, उसके बाद मेरा भी दिल करता है जो प्यार की बात करे उसे ये बड़ी गाली दो। मुझे तर्स आता है उस पर, तुम्हें भी आएगा। जिन पर तर्स आता है ना, उनसे प्यार नहीं होता। I just want him to be happy. इस तरह अब्बा को भी अच्छा लगेगा ना। वो भी उसको हमेशा जी भर के हंसता हुआ देखना चाहते थे। ऑमलेट भी चलेगा, साथ में एक चपाती। एक चपाती रहने दें, दो स्लाइस कर दें और साथ में चाय का कप। थैंक यू। जी जी, मैं इंतजार कर लूँ। हाय। अबे साले, पता है कहाँ बंद हुआ शेवार केमिकल्स? अभी ना बता, मंडे को पूछूंगा तुझसे। यार तू पागल तो नहीं है कहीं? अगर मैं कहूं कि हाँ मैं पागल हूं तो तू मान जाएगा? तुझे सच बताऊं, लोग जब आपसे सब कुछ छीन रहे हो तो खुश हो जाओ। समझ लो कि खुदा आपको सब कुछ देने वाला है। अच्छा चल, कल डिनर पे आ मेरे घर। वो आयशा को तेरे बॉस के बारे में पता चला, बहुत रो रही थी, तो उससे मिलना चाहती है। आ जा यार, वो उसने खाना पकाना भी सीख लिया। ठीक है, कल मैं आता हूँ तेरी तरफ, मगर उससे कहना कि मुझे रोकर ना दिखाए। मैं भी इसको देखा था आज, मैंने बहुत खुश है। अगर वो डिवोर्स लेकर इतनी खुश है तो हम क्यों रो रहे हैं? दुआ करो उसके लिए, वो सुखी रहे। अपने घर का एड्रेस SMS कर, मैं कल आता हूँ तेरी तरफ। बाय। ओके। जैसे कोई फिसल कर पानी में गिर गया है लेकिन अभी डूबा नहीं। फोन करो उसे। क्यों?
पूछो उसने खाना खाया, और अगर उसने खा लिया है तो इसका मतलब उसको किसी हमदर्दी और तर्स की जरूरत नहीं है। वो तो उस मोहब्बत को ढूंढ रहा है जिस पे उसको यकीन आ जाए। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लिख के दे दूं क्या? अच्छा ना, फोन तो करो उसे। हाँ? पूछो तो सही, उसने खाना खाया है? बहाने से पूछना अब्बा की वजह से। हेलो जी दानिश साहब, कैसे हैं आप? फाइन। अब खाना खाया आपने? रेस्टोरेंट में तो नहीं खाया था आपने? गेस्ट हाउस पहुंचते ही इतनी भूख लगी कि फौरन खा लिया। आप गेस्ट हाउस में रहते हैं? जी, बस थोड़े दिन रहूंगा फिर अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं? जी। आप बिल्कुल मतीन साहब की तरह नोटिस करती हैं मुझे, है ना? 100%। वो तो ये भी देखते थे कि बात करते हुए मैं ठीक से मुस्कुराया नहीं। आप समझ लीजिए मैं भी उन्हीं की वजह से नोटिस करती हूँ। I know। उनकी डायरी पढ़ी है ना आपने? जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। गुड नाइट। गुड नाइट। एक बात सच सच बताऊं तुम्हें, दाने साहब की वजह से ना बड़ा नुकसान हुआ है मुझे, और शायद ये नुकसान तुम्हें भी होगा। कैसे? मुझे यकीन आ गया कि मर्द इस तरह के भी होते हैं। अब मैं इस तरह के किसी मर्द को ढूंढती रहूंगी। ढूंढने की क्या जरूरत है, ये सामने पड़ा है, छूकर जिंदा कर दो उसे। शट अप वतीरा, मुझसे प्रॉमिस करो वो खुद तुमसे कहे तो मान जाना, ये ना कहना कि मुझे तरस आता है आप पर। नुकसान तो मेरा हुआ है, मुझे भी यकीन आ गया कि मर्द इस तरह के भी होते हैं। मैं तो ढूंढती रहूंगी ना। आप यहाँ वेट करें। जी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वेट करें। एक्सक्यूज मी भाई, तुम बात सुन रहे हो? ये काली वाली गाड़ी कितने की? 34 लाख। 34 लाख? एक सेकंड। अबे 52 रुपए 80 पैसे का हो गया है। 1 लाख बेच दे। सिर्फ 1 लाख? अभी घाटे में बेच रहा हूँ, जल्दी से बेच और पैसे यहाँ, क्या नाम है आपके शोरूम का? कार्ल्स के शोरूम में बेच दे। वहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी खरीद रहा हूँ। अच्छा अभी वहीं है? अबे हाँ ना। वहाँ देख, गौहर होगा कोई। गौर साहब होते? मैं बुलाया। प्लीज एक मिनट रुक, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। गौर साहब ये आप बात कीजिए। जी सलमान, कैसा है यार तू? अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया ना यार। ₹50,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ सर मैं आपको। थैंक यू। वकास इनवाइस बनाए प्लीज।
दानिश साहब ये किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है जमील साहब, अभी खरीद कर लाया हूँ। वाह भाई, इतनी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया है ये तो। और इस बाइक का क्या करना दानिश साहब? इसको आप वो जो घर लिया है ना, उसकी पोर्च में जाके खड़ी कर दीजिए। बस मैं आ रहा हूँ, पेमेंट भी करता हूँ आपको। जी ठीक, जी जी। सामान गाड़ी के अंदर। कौन सी गाड़ी? ये क्या नजर आ रहा है? गाड़ी लाए पापा। किसकी है? तुम्हारी। हाँ हाँ, गुड जोक। इट्स नॉट अ जोक, ये तुम्हारी गाड़ी है रोमी। तेरी? हाँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। बैठो। हम घर जा रहे हैं। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। अब तुम देखना ड्राइव हमारी। रेडी? खरीदे है पापा? नहीं, किराए पे लिया है। ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है रोमी, तुम पहली बार फ्लैट से निकले हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, ऊपर है। आइए भाई आइए। दानिश साहब, ये लतीफ है, बड़े अच्छे खाने बनाता है। और ड्राइवर भी ले आया हूँ, वो बाहर खड़ा है। अच्छा चलो, ये ड्राइवर को चाबी दो और आप जाके किचन में खाना बनाएं, सारा सामान मौजूद है। तनख्वाह की बात कर लेना तो मुझे बता दो। जी ठीक है, आए मैं आपको किचन दिखा दूं। आए कमरा है क्या? हम अमीर भी हो गए क्या? कैसे? बैड क्वेश्चन। उस ड्रॉ में देखो क्या है, पिंक वाले। फॉर मी? या। थैंक यू। मस्ट बी वेरी कॉस्टली। तुम्हें अच्छा लगा ना? तो महंगा हो गया। आई होप इट्स नॉट अ ड्रीम। इट्स नॉट। मैं यकीन करता हूँ पापा, इट्स नॉट अ ड्रीम। अरे वाह, आज तो बड़ा जबरदस्त खाना बना रहा है। हेलो, 9:10 हो गए हैं। सलमान कहाँ है तू? अरे यार मैं भूल ही गया, वो क्या है कि आज मैं अपने बेटे के साथ हूँ, आज का दिन मैंने उसके लिए रखा हुआ था। उसको हॉस्टल से लेकर आया हूँ, घर दिखाया है, अब हम दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं संडे को आ जाऊँगा। चल ठीक है, लेकिन संडे को उसे भी लेकर आना। लेकर आऊँगा, प्रॉमिस। ओके बाय। ओके।
चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैविश अनुषे व्हाट अ सरप्राइज मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो खाना लगवा दिया साहब खाना तो लग गया पर मैविश का है उन्होंने खाना अपने कमरे में मंगवा के खा लिया था क्या मतलब मैविश मैविश कौन होगा जाने वाला तुम्हारे जलवों का असील तुम्हारा मजनू तुम्हारा दीवाना काम क्या है अरे वाह क्या सवाल किया है? दो घंटे हो गए आपके दीदार नहीं हुए बाहर आइए दीद के मारों पर मेहरबानी कीजिए कल करेंगे मेहरबानी कल निकाह के बाद तब तक माइयों बैठेंगे हम दूर रहेंगे आपसे माइयों बैठेंगे दूर रहेंगे हमसे हंसिए मत बाहर नहीं आओगी तो रात भर हंसता रहूंगा नहीं आऊंगी कल से पहले शक्ल नहीं दिखाऊंगी रस्में पूरी होंगी तब दीदार होगा जाके सो जाओ या फिर बैठकर सोचो कि मुंह दिखाई में क्या दोगे अरे तुम तो सीरियस लग रही हो बिल्कुल हाँ तो मैं सीरियस हूँ शहबाज कल निकाह के बाद होगी मुलाकात निकाह तो शाम को है महेश तो मैंने कहा था शाम को रखो अच्छा दरवाजा तो खोलो कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा महेश गुड नाइट बैठ गई चलो हम भी वहीं बैठ जाते गुड नाइट अमीर हो गए क्या सो जाओ ना यार आपको ख्वाब में नहीं आते कौन दादा अब्बू आते हैं आपको डांटते नहीं हो डांटेंगे क्यों ऐसी पहले डांटते थे तुम्हें नींद नहीं आ रही ना उठो उठ के बैठो चलो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा ने गलत तरीके से पैसे कमाए नो 80 लाख का फ्लैट बेचा था 78 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे उस पे प्रॉफिट मिला है मुझे बहुत सारा 3.5 करोड़ से भी ज्यादा इतने थोड़े दिनों में हाँ इतने थोड़े दिनों में जब वो देने पे आता है ना तो मिनटों में दे देता है यू मीन गॉड गॉड मेरी टीचर कहती है जब गॉड आपसे खुश होते हैं तो दुख आपके पास नहीं आने देते यस शी इज राइट टीचर का नाम नहीं पूछेंगे क्या नाम है मिस हानिया ठीक है चलो अब सो जाओ सो जाता हूँ पहले बताएं कि मेरा फोन चल रहा है हाँ तुम्हारे फोन में नई सिम डाली है ना मैंने अपना नंबर भी डाल दिया इसमें बस अपना नंबर और किसका नंबर चाहिए मिस हानिया का शी इज आल्सो माय फ्रेंड उनका भी नंबर दो ना उसका नंबर नहीं है मेरे पास उनके पापा का नंबर है
उसी नंबर पे बात होती है। तो वो ही दे देना। अच्छा बाबा मैं सेंड करता हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें अकेले नींद नहीं आएगी। अब मुझे लग रहा है आ जाएगी। बदमाश। अब्बा का फोन बज रहा है। फोन कहाँ है? मेरे कमरे में। तो देखो ना कौन है। हेलो। ओके रूमी। रूमी हेलो। हेलो टीचर। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं अभी नींद नहीं आ रही मुझे। रूमी और ये कॉल किसके फोन से कर रहे हो? अपने फोन से। वार्डन को पता चल गया ना तो तुम्हें उल्टा लटका देंगी। इट्स नॉट फनी रूमी। आई स्वेयर इट्स अ जोक टीचर। मैं तो अपने घर आ गया हूँ। पापा ने फोन लेके दिया है मुझे। अरे वाह ये कैसे हो गया? हम अमीर हो गए ना टीचर। एक्स्ट्रा अमीर। पापा ने गाड़ी भी खरीद ली है। बड़ी गाड़ी ब्लैक इन कलर। घर भी ले लिया है क्या? हाँ घर भी बड़ा है बहुत। तुम्हारे पापा का जैकपॉट लग गया है क्या? यस वो तो चेंज लग रहे हैं बिल्कुल। गुड फॉर यू बट नॉट गुड फॉर पापा। क्यों? पता नहीं क्यों बैठ के हिसाब करते रहते हैं बस। पता है मुझे सुलाने के लिए बैठे थे उनसे मुझे सुलाया नहीं गया इसलिए तो अभी तक जाग रहा हूँ। 12 बज गए रूमी। 12:05। इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। अच्छा ना टीचर अभी सो जाऊंगा। पता है अपने फोन से मैंने पहला फोन आपको किया है। सो स्वीट ऑफ यू। आप भी पापा को फोन करो ना। किस लिए? वही वो लड़की वाली बात नहीं बताई थी आपको? हाँ। तो आप पापा से कहो ना उनसे एक बार मिल ले उनको देखें तो सही। अब मैंने की थी बात उन्होंने फौरन बात बदल दी। तो आप इंसिस्ट करें ना। कम ऑन रूमी ऐसी बात पर डटे रहना मुश्किल होता है और मेरी उनसे कोई दोस्ती थोड़ी है कि कान पकड़ के बोलूं कि चलो देखो लड़की। हाँ पता है लड़कियों वाला प्रॉब्लम है आपका। क्या? आप दोस्ती कर लो ना उनसे। तुम अभी छोटे हो रूमी तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पापा ज्यादा अमीर हो जाएंगे फिर वो हाथ नहीं आएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। योर पापा इज अ गुड मैन। आप मेरी बात तो समझो टीचर। उनको कोई और लड़की अच्छी लगी तो अच्छा नहीं होगा। तुम दुआ करो कि उनको कोई लड़की अच्छी लग जाए देखना फिर सब अच्छा हो जाएगा। उस दिन आप क्लास में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? एफर्ट भी करनी होती है। हाँ तो मैं साथ में एफर्ट भी कर रहा हूँ ना। शाबाश करते रहो। और ये भी तो आपने कहा था कि दूसरों की मदद करो। बिल्कुल कहा था। तो आप मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे नींद आ रही है रूमी। मुझे भी कोई मदद ले के गया मैं भी उसको कहूंगा मुझे नींद आ रही है। ओके गुड नाइट टीचर। सुनो सुनो। जी टीचर। अच्छा मैं बात करूंगी। थैंक यू टीचर। चलो अब सो जाओ। अब तो सच में नींद आ रही है बहुत। गुड नाइट। गुड नाइट। कितने का है? 6.5 लाख का। स्लीव्स ऐड हो जाएंगी ना? श्योर मैम। ठीक है आप रेडी करवा दीजिए। ओके थैंक यू। वैसे ड्रेस रेडी हो जाए तो उसको लेकर आप ज्वेलरी शॉप में।
महविश अनुषे व्हाट अ सरप्राइज सरप्राइज तो तुमने दिया है शेवार से फेयर चला लिया तानिश से डिवोर्स ले ली फिर गायब हो गई कैसे कर लिया ये सब कम ऑन यार किस्मत में लिखा था चलो जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर कह दिया कि किस्मत में लिखा है और क्या क्या लिखा है किस्मत में मैं निकाह कर रही हूँ उससे वाओ तो रोया नहीं वो बेचारा रोया तो होगा और इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया उसने तुम्हें उसकी तो जान निकलती थी तुम्हारे लिए छोड़ दिया बस ज्यादा तंग नहीं किया उसने और वो रूमी वो कहाँ है उसी के पास है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे बगैर सोता कैसे होगा तो बच्चा है ना उसे क्या मालूम कि माँ का किसी के साथ अफेयर भी हो जाता है और वो घर छोड़ के भी चली जाती है वो मिलती है उससे नहीं वो नहीं मिलता मुझसे अच्छा हुआ तुम्हें गई अनुषा तुम मिलो ना उससे वो बोर्डिंग में होता है स्कूल के पास ही हॉस्टल है उसका तुमसे तो मिलेगा वो प्लीज तुम समझाओ उसे ऐसी बात थी तो पहले कह दिया होता दानिश ने कान भर दिए उसके अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता ख्याल रखता है तुम्हारा कौन शवान बहुत ख्याल रखता है क्या सच प्यार भी करता है बहुत प्यार करता है बीवी को जानती है उसकी हाँ बस इतना जानती हूँ कि जब उसका फोन आता है तो सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है उसके फोन से भी नफरत करता है उसी के तो टुकड़ों में पलकल वो यहाँ तक पहुंचा है बल्कि मैंने तो सुना है कि फोर्जरी से उसने उसके 12 लाख शेयर्स भी अपने नाम करा दिए यहाँ तक कि जो घर है ना जिसमें शेवार रहता है भी उसी के नाम है वो तो मेरा है ना और ये सारी सुनी सुनाई बात है अभी वो अमेरिका से आएगी तो हिसाब हो जाएगा और हिसाब होते ही तलाक हो जाएगी शॉपिंग के लिए आई हो वैसे एक बात पूछूं वो दानिश पर तरस नहीं आया याद है कैसे अकड़ कर कहा करता था कि मेरे पास महविश है मतलब मेरे पास सब कुछ है सच सच बताओ तुम कभी उसके पास थी वो बहुत शक करता था अनुष एंड आई वाज रियली फेड अप ऑफ इट वैसे तो ना कहो यार कि वो तुम पे शक करता था और अगर करता भी था तो शक तो सही निकला ना एनीवे गुड लक फॉर योर न्यू मैरिज आई सपोज जा रही हूँ हाँ निकाह पढ़नी आओगी तुम इनवाइट करोगी तो आऊंगी ना वैसे ही हमारे चलते फिरते मुलाकात होगी और तुम्हें अचानक से याद आ गया कि मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ तो तुमने कहा कि इससे भी पूछ लूँ कि आओगी या नहीं भाई फोन करके रिक्वेस्ट करो इंसिस्ट करो फिर तो आ ही जाऊंगी चलो तुम घर पहुंचो मैं तुम्हें फोन करती हूँ और इंसिस्ट भी करूंगी ओके सी बाय टीचर हाय
Were you waiting for me? No, I was just watching you while you were playing. Have some? गाड़ी दिखाओ अपनी। ड्राइवर आएगा फिर दिखाऊंगा। गुड। तो आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। पक्का? पक्का। लेकिन अगर तुम मुझे लड़की दिखाओ तो मैं पूरा जोर लगाऊंगी। मेरे पास पिक्चर नहीं है उसकी। अच्छा बताओ कहाँ होती है, क्या करती है? वो नहीं बताऊंगा। क्यों? इट्स अ सीक्रेट। फर्स्ट करो तुम्हारे पापा मान गए और वो लड़की ना मानी तो? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो पहले लड़की से बात करो ना, वो मानेगी तो पापा से बात करूंगी, ना मेरी सारी मेहनत जाया जाएगी। 50% तो मेरे हाथ में। क्या? कि लड़की को मना लूंगा। और बाकी 50%? वही तो गड़बड़े। नॉर्मली लड़कियां कमिटेड होती हैं या उनकी मंगनी शंगनी हुई भी होती है। कमिटेड मतलब? मतलब ये कि रूमी वो किसी को पसंद करती हैं या उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ होता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुमने पूछा है उससे? उसकी बातों से गेस कर लिया। ये कैसे पता चलता है लड़की की मंगनी होगी है? क्योंकि वो अपने हाथ की इस वाली उंगली में रिंग पहनती है। जैसे आप तो पहनी हुई है। नहीं नहीं ये तो आर्टिफिशियल है, वो गोल्ड या डायमंड की होती है। क्यों, तुमने उसके हाथ में रिंग देखी है? नहीं नहीं इसमें भी आर्टिफिशियल पहनी है। आहा आप तो प्रॉमिस ना तो पापा से बात कर लो। और उन्होंने फौरन ही कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या बताना, रूमी अकेला है बहुत। He feels lonely when you're not at home. और ये भी बताना उसकी लड़की से दोस्ती है तो लड़ाई भी नहीं होगी। ठीक है। और अगर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, फिर आप फोन काट देना और फिर बात मत करना। पानी पी लो। कैसी लग रही? देखा नहीं तुमने? तुम बताओ। आज मैं भी तुम्हें तुम्हारी नजर से देख रही हूं। फिर तो समझो मैं आफत लग रही हूं। पागल। कौन? निकाह की तैयारी हो गई है, मौलवी साहब और गवाह पहुंच गए हैं। आप 15 मिनट बाद नीचे तशरीफ लाइए। शहबार आ गए? जी वो आ गए हैं, मौलवी साहब के पास बैठे। अच्छा ठीक है, अगली बार दरवाजा खटखटाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। जी बेहतर। तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है मेरे पास। हाँ बोलो। मेरे साथ मेंबरशिप शेयर करना, 50-50। यार इस काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास है ना एक्सपीरियंस, और मैं जानता हूँ लक के सामने एक्सपीरियंस इज नथिंग। तो तुम्हें लगता है मैं लकी हूँ बहुत? गॉड इज हैप्पी विद यू सो यू लकी। और यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के बाबे कहते हैं जिसकी लक चल रही हो उसके साथ मिल जाओ, मुकाबला ना करो। बोलो।
तो संडे तक सोचने थे मुझे। अरे संडे परसों है, क्या सोचोगे? समझना यार, बिजनेस की बात करने का मूड नहीं है आज। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आज फिर से लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, दिल डूब रहा है मेरा। तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं यार, दिल इस तरह नहीं डूब रहा कि डूब जाएगा, आखिरी चोट लगी तो फिर से सहम गया है बस। आज शादी है उसकी, संडे को मिलते हैं। आज तो फिर अच्छा दिन था दानिश, चढ़ने की सारी रस्में पूरी हो गई। चलो उनसे देर हुई, वो लोग बुला रहे हैं। चलो चलो। हम हूं शहवार अहमद की बीवी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।